हल्द्वानी में बर्ड फ्लू के कारण चिकन कारोबारियों का कारोबार ठप हो गया है। जहां एक तरफ देश में कोरोना महामारी से बाजार संभले नहीं थे, वहीं बर्ड फ्लू के कारण इसका असर अब हल्द्वानी बाजार पे भी दिख रहा है। वहीं पशु चिकित्सकों के अनुसार लोकल पोल्ट्री से ऐसे किसी भी तरह की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। वहीं चिकन और अंडे के कारोबारियों ने बताया कि बर्ड फ्लू से चिकन और अंडे के रेट भी काफी गिर गए हैं। ये दहशत तो कोरोना में टाइम भी फैली थी, मगर उस टाइम लोगों ने बहुत चिकन खाया। अब जो 2-4-5 दिन से मीडिया में और पेपरों में सुनना है, देख रहे हैं कि बर्ड फ्लू दोबारा से आ रहा है, इसको देखते हुए जो है हमारी दुकानदारी पे आधा फर्क पड़ चुका है। और अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि पोल्ट्री में जो बच्चा तैयार होता है कि उसमें बर्ड फ्लू है। टीमें लगी हुई हैं जांच के लिए, जो परिंदे मर रहे हैं उनको वो लेके जा रहे हैं, उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है लैब में। और हमारी जो है दुकानदारी अभी तक जो है 220-240 रुपए चिकन बिक रहा था, अब जो है जब से ये मीडिया में आया है तब से ग्राहक जो है 160-180 रुपए में खाने को तैयार नहीं है। इसी वजह से जो है हमारी दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब तो आधी भी से भी ज़्यादा आ जाएगी, 25% रहेगी क्या? पहले एक दिन में कितने बिक्री होती थी आपकी? 25-30 पीस बिक जाते थे, आजकल 4-5। हर खबर में होगी हमारी नज़र, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।